नमस्कार किसान भाइयों, मैं रविंद्र स्वामी, स्वामी पोलियास मैनेजमेंट से। किसान भाइयों, आज जो मैं सब्जेक्ट लेकर आया हूँ, हालांकि वो सब्जेक्ट मेरा नहीं है, लेकिन काफ़ी किसान भाई मुझे कॉल कर रहे हैं कि जो अमरूद के बगीचे लगा रहे हैं आजकल, कि उनको हमारे जिले को लेकर मेरे लिए जो मन में जो डाउट्स हो रहे हैं कि किसान भाई क्या गलतियाँ कर रहे हैं, कि गलती ये कर रहे हैं कि निमेटोड एक बीमारी है जो कि हमारे झालावाड़ जिले में नहीं है, लेकिन किसान भाई अनजाने में क्या कर रहे हैं कि बाहर से जो पौधे आ रहे हैं, सपोज करो सवाई माधोपुर से जो पौधे आ रहे हैं, जो सवाई माधोपुर की मिट्टी है उसके अंदर निमेटोड है, वो पौधा हमारे झालावाड़ में ला रहे हैं और किसान भाई अपने खेत में प्लांट कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये पौधा है, ये उधर बाहर की मिट्टी है, इसके अंदर ये देखो आप निमेटोड है, ये गाँठें बनी हुई है, ये निमेटोड की गाँठें हैं। तो इससे हो क्या रहा है कि हम अपनी ही ज़मीन में कैंसर डाल रहे हैं। किसान भाई इसको ध्यान से सुनना कि हम क्या कर रहे हैं। निमेटोड एक ऐसा, आप अगर नहीं जानते हो ना, किसी साइंटिस्ट से पूछना कि निमेटोड क्या चीज़ है, जयपुर के किसान भाइयों से पूछोगे ना, उनकी आत्मा जानती है कि निमेटोड से वो कितना ज़्यादा परेशान है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे हमें वो एक वरदान है कि हमारी काली मिट्टी है, क्रैक्स आते हैं हमारी मिट्टी में, हमारे निमेटोड है नहीं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, गलती से वहां से ला करके डायरेक्ट पौधे हम प्लांट कर रहे हैं हमारे यहाँ पर। तो किसान भाइयों, इस चीज़ का उपाय क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ के किसान भाई को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर जो मैं, जब हमारे यहाँ संजीवनी नर्सरी है, समकी जैन है यहाँ पर, तो इन्होंने क्या किया है कि यहाँ की, हमारे यहीं की मिट्टी में ये अमरूद के पौधे डेवलप किए हैं। ये अब ये सैंडी सॉइल है और ये ब्लैक सॉइल में ये प्लांट जो तैयार किए गए हैं, ये ब्लैक सॉइल है। इस तरह की ब्लैक सॉइल में हमारे यहाँ की मिट्टी में निमेटोड नहीं है। अभी इस तरह के अगर प्लांट आप अपनी मिट्टी में लगाएंगे, ये क्वालिटी वाइज है, ये क्लेम करते हैं ये 100% ऑथेंटिक प्लांट है। तो ये इस तरीके से हम इनसे आगे बात करेंगे कि भाई किस तरह से ऑथेंटिक प्लांट है। तो किसान भाइयों, निमेटोड का जब मैं बात कर रहा हूँ, इसको गंभीरता से लें, इसको अदरवाइज कत्ते ना लें। किसी भी साइंटिस्ट से, ऐसा नहीं है कि किसी भी नर्सरी में जाकर के आप सवाई माधोपुर के इधर उधर के पौधे ला करके, बहुत से किसान भाई है, मेरे पास काफ़ी कॉल आ गए, इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाने के लिए सोचा कि आप लोगों को ये जानकारी दूँ कि हम जो बाहर के पौधे आ रहे हैं ना, उसमें निमेटोड आ रहा है, उसकी उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा साथ में कि हमें क्या उपाय करने चाहिए। अगर बाई चांस आप लेकर आ गए, आपने अपनी मिट्टी में निमेटोड प्लांट कर दिया, तो ये बहुत ही, मतलब आप कैंसर डाल रहे हो अपनी मिट्टी में खुद ही। तो चीज से बचें, जो भी पौधा लाएं आप किसी भी नर्सरी से, आप ये पहले उससे पूछें कि ये मिट्टी कहाँ की है, इसमें निमेटोड तो नहीं है। आप जिस तरह से, मैंने ये जड़ें खोद करके देखी, ये इनके बाहर का पौधा था, तो इसमें निमेटोड है, इसमें बहुत कम है, लेकिन है। बहुत से आप समय के बड़े पौधे लेकर आएंगे, उसमें इतना सारा निमेटोड आएगा, काफ़ी जड़ों में निमेटोड होता है। तो ये समकी जैन है, इनसे मैं आपको मिलवाता हूँ। समकी जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये मिट्टी हमने यहाँ की मिट्टी में डेवलप किए हैं, आपने किस तरीके से किए, आप कैसे कहते हैं कि भाई इसमें निमेटोड नहीं है? हमारे पास एक तो ताइवान पिंक, इसको थाई पिंक और ताइवान पिंक बोलते हैं, एक थाई वाइट, एक थाई सेवन, ये जो प्लांट है ये हमारे पास ट्रे में आते हैं, जो लेब में बनाए हुए हैं, टिश्यू कल्चर से और कोकोपीट में बनाए हुए। उसके बाद हमने इसको अपने यहाँ की ब्लैक कॉटन सोइल, ये आप इधर देख सकते हैं, ब्लैक कॉटन सोइल का हमारे पास स्टॉक है, इसमें हम इसको तैयार करते हैं, जिससे इसमें जो भैया बता रहे हैं वो कैंसर की बीमारी बिल्कुल भी नहीं रहती, निमेटोड नहीं आया, निमेटोड नहीं रहता है इसमें। और आप इसमें सब में देख रहे हैं कि सब में फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूटिंग हो रही है, कोई सा भी पौधा ऐसा नहीं है, और सब स्वस्थ पौधे हैं, कोई सा भी ज़्यादा ग्राफ्टिंग करावानी है, साइड ग्राफ्टिंग के पौधे हम कम रखते हैं, अगर हमारे पास ग्राफ्टिंग वाला पौधा है तो वी ग्राफ्टिंग रखते हैं, जिससे पौधा सीधा चलता है। इसके अलावा हमारे पास बहुत वेराइटी है, ये NM के गोल्ड है सीताफल, ये भी पुरस्कार प्राप्त सीताफल है। इसके अलावा ये अपना, ये देखो आप, ये कलम करा हुआ है, ये भी अपने यहाँ की सोइल में है, ये सीडलेस लेमन है, ये नींबू आ रहे हैं, ये अपने यहाँ की सोइल में है, ये वियतनाम का जैक फ्रूट है, इसकी गारंटी है कि ये 1.5 से 2 साल में इसमें जैक फ्रूट यानी कटहल लगना चालू हो जाएगा। इसके बाद में आपका ये चीकू है, ये भी अपने यहाँ की मिट्टी का, ये अपने यहाँ की मिट्टी का, ये देखो चीकू आ रहा है, थाई चीकू बोलते हैं इसको, ये कलकत्ता पत्ती लेमन है, ये आप देखें अभी इतने से पौधे में कितने नींबू आ रहे हैं, कम से कम 20 नींबू आ रहे हैं इसमें, ऐसे के ऐसे। ये आम है जो आजकल सबसे ज्यादा चल रहा है, ऑल टाइम मैंगो, 12 महीने आता है, ये भी हमारा खुद का प्रोडक्ट है।
इसके अलावा हमारे पास कम से कम 100 फ्रूट्स और दूसरे भी है, अलग अलग प्रजातियां और सभी सजावटी पौधे, घास, जितने भी तरह के अपने एरिया में पौधे चल रहे हैं सभी पौधे अपने पास अवेलेबल है। एप्पल वेयर है। तो किसान भाइयों, अगर आपको निमेटोड फ्री प्लांट चाहिए तो आप, ये मैं देख रहा हूँ ये ब्लैक सोयल में है, आप किसी भी साइंटिस्ट से आप पूछें, हमारे यहाँ के जो डीन सर है डॉक्टर आई वी मौर्य सर, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि हमारी ब्लैक सोयल में निमेटोड नहीं है। अगर कहीं है तो वो लाया गया है। आप जैसे मेरे पास आते हैं इस तरह के उदाहरण हैं, हमारे पोली हाउस में काफ़ी कहीं निमेटोड आया झालावाड़ जिले में, लेकिन वो क्यों आया, वो उसी जगह पर आया जहां अमरूद का बगीचा है और साथ में उसने पोली हाउस लगाया हुआ है, तो उस बगीचे की वजह से उस पोली हाउस में निमेटोड आ गया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे जिले में जहाँ निमेटोड आया, लेकिन निमेटोड आने का रीज़न ये रहा है कि वो निमेटोड जो बगीचा वाला है उसी में वो ट्रैक्टर चलाते हैं और उसी ट्रैक्टर से पोली हाउस में भी वो हक्के जुताई कर देते हैं, तो वहाँ पर भी निमेटोड चला गया है। तो किसान भाइयों, इससे बचें, इसको गंभीरता से लें, बिल्कुल आप साइंटिस्ट के संपर्क में रहें, किसी अज्ञान व्यक्ति के ना रहें। मैं आपको, मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चीज़ से। अब दूसरी बात रही, अगर बाई चांस आप लेकर आ गए, आपके पास प्लांट आ गए आज की तारीख में, तो आप उसका क्या करेंगे, आप उसके उपाय है, आप जब आप प्लांट लेकर आए हो जिस तरीके से ये प्लांट है, इसको आप जब अपने खेत में डायरेक्ट ना रखें, आप खेत में पन्नी बिछाएं, उसके ऊपर सारे प्लांट रखें, उसके अंदर ड्रेंचिंग करें। किस चीज़ की करें, H2O2 विथ सिल्वर आता है, आप उसकी करें, वेलम प्राइम आता है, आप उसकी ड्रेंचिंग करें। जब आप गड्ढा करते हैं उसमें भी आप कार्बोफ्यूरान डालें, साइंटिस्ट के संपर्क में आकर के और अच्छे उसके उपाय करें। पेसिलोमाइसिस एक बैक्टीरिया है जिसको आप बाद में डालें, क्योंकि वो निमेटोड जब जड़ों के अंदर जाकर बैठ जाता है, हम ऊपर का तो जहर से मार देंगे लेकिन जब उसके अंदर के अंडे जब बाहर आएंगे तो उस अंडों को पेसिलोमाइसिस खाता है, तो आप पेसिलोमाइसिस भी आप उसके अंदर डालें, कंटिन्यू डालें अपनी मिट्टी में, ताकि निमेटोड से जितना ज़्यादा हो सके बचा जाए। तो किसान भाइयों, मेरा निवेदन है, अपने झालावाड़ ज़िले में निमेटोड नहीं है, हम खुश नसीब है इस चीज़ को लेकर के, हमारी मिट्टी में नहीं है, लेकिन ऐसा ना करें कि हम लेकर आ जाएं अज्ञानता के चक्कर में। तो आप संपर्क में आए किसी साइंटिस्ट से कि इसमें निमेटोड तो नहीं है, इसमें आप किसी भी नर्सरी से ला रहे हैं उससे आप गारंटी लें कि इसमें निमेटोड तो नहीं है। जैसा कि संकित जी कह रहे हैं कि मेरी मिट्टी में निमेटोड नहीं है, मैं विश्वास कर सकता हूँ क्योंकि काली मिट्टी में है। तो आप आकर के इनसे, संकित जी से संपर्क करें, आप इनके, मैं मोबाइल नंबर अपने वीडियो के साथ में मैं डाल दूंगा, आप समझें इसको और यहाँ से वाजिब रेट में आप खरीदें। नमस्कार, धन्यवाद।